हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ वीडियो में थोड़ा सा स्लो है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और थोड़ा मैं ये वीडियो रात के 1:30 बजे शूट कर रही थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे वॉइस ओवर करने में, क्योंकि ये फैमिली है तो आप समझ सकते हैं, इसलिए सॉरी बोलना चाहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है, आई मेकअप को भी इजीली रिमूव करता है। अगर आप मेकअप नहीं करते हैं तो भी आप इसे अपने फेस वॉश के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पे जितने भी डस्ट होते हैं उनको भी रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करते हैं, बहुत ही ईजिली रिमूव करता है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आपको रिसीव हुआ है और इसकी प्राइस है 175 रुपीज़। आपको दिए इंग्रेडिएंट्स आपको दिए हुए कि इसमें क्या क्या मेंशन है और आपको इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको इसमें बताया गया है। तो बहुत ही ईजिली आपको, अगर आप इसे परचेस करते हैं तो आप बहुत ही ईजिली इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसे पैकेजिंग के अंदर देखते हैं कि कैसा है। ये पूरा पैक्ड है, बहुत सील है, अच्छी क्वांटिटी में मिल रही है आपको, प्लास्टिक के कंटेनर में है। आलमंड ऑयल है जिससे कि आपका मेकअप भी बहुत रिमूव होता है और बहुत ही ईजिली स्मूथ करता है आपके फेस को। 120 ml मिल रहा है, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा आपका ये क्लेंजिंग। ऐसा नहीं है कि जो लोग मेकअप करते बस वही यूज़ कर सकते हैं, जो मेकअप नहीं करते वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, फेस वॉश के बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं आपके जो भी डस्ट होते हैं। कहना कि हमें जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे फेस से डस्ट से ही स्टार्ट होती है, पिंपल होते हैं वो डस्ट से होते हैं, डार्कनेस होती है वो भी डस्ट से ही होता है। अगर हम अपने फेस को कहते हैं ना किसी चीज़ को क्लीन ना करो तो वो दिन पे दिन डलनेस हो जाता है, तो वही चीज़ है। आलमंड ऑयल है, अच्छी मिल रही है आपको, आयुर्वेदिक है, कुछ भी हार्मफुल नहीं है, तो इसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इजली अप्लाई होता है। आपको कॉटन पैड में लेना है, ठीक है, 102 बूंद करना है और इजली आपको रिमूव करना है। फेस पे आपके बहुत स्मूथनेस मिल रहा है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं तो थोड़ा सा ऑयली, क्योंकि आलमंड ऑयल है तो जरी सी बात है कि थोड़ा सा तो ऑयली होगा ही, तभी तो आपका मेकअप जो वो पूरा रिमूव हो जाएगा, आपके डस्ट पे जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। आपको फेस वॉश के बाद इसे अप्लाई करना है, उसके बाद क्लीन करना है आपके पूरे फेस को, उसके बाद आपको सीरम अप्लाई करना है। सेल्फ लाइफ आपको मिल रही है 3 ईयर्स, तो मैं इसे नहीं कहूँगी कि 3 ईयर ये चलेगा भी, ये बहुत ज़्यादा कंटेनर में आपको नहीं मिल रहा कि हाँ इतना बड़ा मिल रहा है कि आपको 3 ईयर्स चलेगा। हाँ ठीक है, आप मैक्सिमम अगर आप इसे यूज़ करते हो वीक में या फिर डेली तो 6 मंथ आराम से चलेगा, अच्छी खासी क्वांटिटी 6 मंथ के लिए इनफ है। ड्राई स्किन वाले के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मैंने जो अभी अप्लाई किया थोड़ा सा ऑयली लग रहा है, लेकिन ऑयली है नहीं क्योंकि आलमंड ऑयल है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन ड्राई स्किन वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, ड्राई स्किन वाले के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं, आप इसे डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए अच्छी है, अच्छी टेक्सचर, क्योंकि कुछ हम ऐसे ही प्रोडक्ट खोजते हैं कि वो हार्मफुल ना हो, आयुर्वेदिक हो, तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेकअप भी करते हो तो इसे बहुत ही ज़्यादा इजली रिमूव करता है और आपके फेस पे कोई ब्लैकेट नहीं छोड़ता, पूरा क्लीन करता है, तो ये वाला प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। इसका स्मेल भी बहुत लाइट वेट है, ओवर वाला नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर लगे, बहुत लाइट वेट है, इस ओके। और इसके पीछे आपको इसमें क्या क्या ऐड है मैं वो आपको बता देती हूँ। अरंडी ऑयल मिक्स है, इसमें नीम ऑयल मिक्स है, इसमें सोया ऑयल है, बादाम तालनी है और बहुत सारे बादाम है, तालनी ऑयल है, कुछ प्रोसेस होंगे इनके जो इन सारी चीज़ों को मिलकर बना हुआ है, तो ये आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।